हाय फ्रेंड्स, घर घर की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पनीर सैंडविच की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 100 ग्राम पनीर। इसे हाथों से मैश कर लेंगे या फिर आप ग्रेट भी कर सकते हैं। अब पनीर को ट्रांसफ़र कर देंगे एक बाउल में और उसमें ऐड करेंगे प्याज, गाजर और शिमला मिर्च। अब इसमें ऐड करेंगे नमक, साथ ही में यहाँ ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, आप रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो और गरम मसाला। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब लेंगे ब्रेड के 2 स्लाइसेस। अब पनीर के मिक्सचर को ब्रेड के स्लाइस पर स्प्रेड कर देंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो जो हमने पनीर का मिक्सचर बनाया है उसमें आप मेयोनीज भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप 1 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं। अब ब्रेड की दूसरी स्लाइस ऊपर लगा के ब्रेड को सेक लेंगे। अब एक पैन में थोड़ा सा बटर स्प्रेड करेंगे और जो सैंडविच हमने तैयार किया है उसे हम उस पर रख के दोनों साइड से सेक लेंगे। तो ये मैंने ब्रेड की ऊपर वाली साइड पे भी थोड़ा सा बटर लगा दिया है। अब सैंडविच को फ्लिप करके दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही उलट पुलट के एक दो बार सैंडविच को दोनों साइड से अच्छा सा सेक लेंगे और क्रिस्प कर लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी सैंडविच बन के तैयार होता है। साथ ही साथ ये सैंडविच बहुत हेल्दी भी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा सैंडविच बन के तैयार हुआ है। ये सैंडविच आप बच्चों को भी दे सकते हैं। सैंडविच के लिए वाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। आप सब भी ये सैंडविच बना के ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।